भागलपुर के सुल्तानगंज के शाहबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा बीते 21 नवंबर से लापता हो गए थे, जिसके चार दिन बाद भागलपुर एसएसपी बाबूराम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रॉपर्टी डीलर अमित झा की हत्या की जाने की बात कही थी। तब से मामले में गठित स्पेशल टीम द्वारा मृतक का शव बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी बाद थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इस मामले में स्पेशल टीम द्वारा अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी किए जाने के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाद थाना क्षेत्र के अठोरिया नहर से मृतक का शव बरामद कर लिया है। मौके पर मौजूद मृतक के परिजनों द्वारा उनके शव की पहचान की गई। शव बरामद करने के बाद मौके पर पहुंची विधि व्यवस्था। सदर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, अकबर नगर थाना पुलिस, सुल्तानगंज थाना पुलिस, शाहकुंड थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी दिलीप मंडल की निशानदेही पर बोरे में बंद बरामद शव से लिपटे कपड़े से परिजनों द्वारा पहचान किए जाने के बाद शव को कब्जे में ले उसे पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल भेज दिया गया है। भागलपुर में इनकम टैक्स ने अहले सुबह ईंट कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स के अधिकारी अहले सुबह भागलपुर पहुंचे और ईंट कारोबारी अफरोज आलम के कई ठिकाने पर छापेमारी शुरू की। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अंदर अधिकारियों को संदिग्ध दस्तावेज में क्या क्या मिले हैं। अधिकारी मीडिया को कुछ भी जानकारी साझा करने से बच रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अफरोज आलम हबीबपुर निवासी है और उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड दी है। युवा तो युवा, अभिभावकों के साथ उनके माता पिता और उनके शिक्षक भी रील बनाने में पीछे नहीं है। ताजा मामला भागलपुर के नौगछिया रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी में स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का है। एक कार्यक्रम के दौरान इस कॉलेज से एक वीडियो मंगलवार देर शाम से जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वायरल गाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र छात्राएं एक कमरे में नृत्य कर रही हैं। वहीं जब इस मामले पर कॉलेज के डायरेक्टर राजीव रंजन से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वायरल वीडियो उनकी कॉलेज का नहीं है। वहीं जब वायरल वीडियो के बारे में कॉलेज के कर्मी संजय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का ही है और ये वीडियो फैकल्टी क्लास में शूट किया गया है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद है। इसीलिए साफ तौर पर स्पष्ट है कि कॉलेज के डायरेक्टर झूठ बोल रहे हैं और मामले की लीपापोती करने में लगे हैं। वहीं राजद के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि इस वायरल वीडियो की जांच संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को करनी चाहिए। आज तक आपने मतगणना के बाद प्रत्याशियों और उनकी समर्थकों के द्वारा विजय जुलूस निकालते देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर है वार्ड नंबर 19 की, जहां चुनाव संपन्न होने के बाद पूर्व उप महापौर और वार्ड 19 से निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रीति शेखर के समर्थकों के द्वारा उनके पक्ष में हुए मतदान से उत्साहित होकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग लगातार जीतने का हुंकार करते हुए जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शेखर अपने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वार्ड के सर्वांगीण विकास को लेकर हमेशा काम करने की बात करती दिखी।
भागलपुर के नवगछिया के रंगरा के सधुआ चापर स्टेशन के पास कृष्णदेव शाह नामक युवक चाय नाश्ता अंडे की दुकान चलाता था। देर रात वो अपने दुकान के पास घायल पाया गया। कृष्णदेव के माथे से भारी मात्रा में खून निकल रहा था। कृष्णदेव के परिजनों को मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि कृष्णदेव घायल अवस्था में दुकान के सामने गिरा हुआ है। परिजनों ने जब आकर देखा तो कृष्णदेव घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ था। यह घटना सड़क दुर्घटना है या फिर किसी ने जानबूझकर इसे मारा या किसी ने नहीं देखा यह अभी तक संदेहास्पद बनी हुई है। घटनास्थल पर पहुंचकर कृष्णदेव के परिजन आनंद फानंद में उसे उठाकर रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने मायागंज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में सुबह 6 बजे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि यह घटना कैसे घटित हुई हम लोग नहीं देख पाए। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि उन्हें धारदार हथियार से मारा गया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में घायल होकर मृत्यु हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कौन सा हाल तो वो एक्सीडेंट हो गया और जानता नहीं है कौन सा किस क्या चीज से हुआ है एक्सीडेंट। क्या नाश्ता का दुकान था। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग भागलपुर के द्वारा शराब के साथ पकड़ाए गाड़ियों की आज नीलामी की गई। गौरतलब है कि भागलपुर के 53 थानों में जितने भी जब्त वाहन अधिग्रहण होकर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग कार्यालय भागलपुर में लाया गया था, उसमें 60 गाड़ियां थी जिसे आज नीलाम किया गया। पहले आवेदक इसके लिए आवेदन दिए हुए थे, बुल लगाकर सभी गाड़ियों को उचित दामों में आवेदनकर्ता को दे दिया गया। यह नीलामी का कार्यक्रम मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय भागलपुर में सम्पन्न हुआ। भागलपुर की सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट का दर्शन करने और यहां की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होने जर्मनी और स्विट्जरलैंड से 32 विदेशी सैलानियों का जत्था पहुंचा। इस दौरान सभी विदेशी सैलानियों ने अजगैवीनाथ मंदिर सहित गंगा घाट का अवलोकन करते हुए कलाकृति की तस्वीर का फोटोग्राफी करते हुए सुल्तानगंज के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान गंगा विलास क्रूज के गाइड सुमित भट्टाचार्य ने बताया कि जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड के 32 विदेशी सेनानी का जत्था अजगैवीनाथ धाम पहुंचा है। सभी विदेशी सेनानी का 52 दिनों की यात्रा है जो कलकत्ता से बनारस तक जाएगा, उसके बाद रेलगाड़ी से डिब्रूगढ़ बांग्लादेश होते हुए असम तक की यात्रा है। Yeah, I really enjoy it. Thank you very much. Wonderful place. Thank you very much that we were guests here. And we enjoyed the friendly people, extremely friendly and open people. We could take pictures, talk a little Hindi, English together. And the Shiva temple, of course, and the mosque are very impressive places. You live on a beautiful... Hey, abhi aaj hum log Munger tak jayega. Phir Munger mein ruke, phir Patna hoke, hum log Banaras tak jayega. ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुआ है सर? ये यात्रा एक्चुअली कलकत्ता से स्टार्ट हुआ है, बनारस जाएगा, फिर बनारस से कलकत्ता, फिर कलकत्ता होके हम लोग जाएगा बांग्लादेश होके असम। ये कौन सा क्रूज है सर? ये जो है गंगा विलास क्रूज है जी जी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहा है क्योंकि ये 27 नदी को क्रॉस करेगा 92 दिन में जी। हम लोगों का जर्नी शुरू है कोलकाता से बनारस तक, वाराणसी से हम लोगों का फिर जो जर्नी चालू होगा वो जाके वाया बांग्लादेश होके आसाम में जाके खत्म होगा। फिर कितना किलोमीटर, कितना विदेशी यात्रा में कितने लोगों का जत्था है सर? ये एक कोई ठीक नहीं है, जैसे हम लोग बनारस जाएगा ये ग्रुप उतर जाएगा, फिर वो ग्रुप के बाद उधर से ग्रुप चेक इन होगा। ये कहाँ कहाँ के जत्था विदेशी सर? सब है जर्मन और स्विट्जरलैंड के आदमी लोग, सारे लोग। ये कितने दिन का यात्रा है? 18 दिन का। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के शवगृह में इतनी भी जगह नहीं है कि मुर्दे को रखा जाए। मामला तब सामने आया जब 3 दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के दल्लू बाबू धर्मशाला के समीप लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग का अज्ञात शव मिला था। कोतवाली थाना उस अज्ञात शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दी थी। इसके बाद जब शवगृह में रखने की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने कहा कि जगह नहीं है, जिसको लेकर कोतवाली थाना ने मायागंज अस्पताल में 45 वर्षों से काम कर रहे मुसरा को शव की निगरानी का जिम्मा दे दिया।